देखिए दोस्तों, यहाँ से एक न्यू पेज लेंगे। यहाँ से 500x500 का पेज सेलेक्ट करेंगे। mm सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं, और यहाँ से इसको मैक्सिमम करने के बाद एक स्क्वायर लेते हैं 50x50 का स्क्वायर क्रिएट करते हैं, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट आर्क में, और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और ऐसे जितना आ रहा है ऐसे करने के बाद छोड़ देंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे। अब जाएंगे यहाँ पे मिरर वेक्टर में, और यहाँ से लेफ्ट राइट में मिरर कर देंगे। यहाँ से विंडो टाइल विंडो कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे जाएंगे सीधा क्रिएट एलॉन्ग पैनल। अब यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, और इसका सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हम 8 mm डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हल्का छोटा सा दिख रहा है ये, ओके। अब इसके बाद दूसरे को सेलेक्ट करेंगे इसको, और वही काम फिर दोबारा एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये सेंटर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी 8 डाल देंगे, और यहाँ से हमारा राइट रखेंगे तो अच्छा होगा, क्रिएट करेंगे। देखिए ये दोनों बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम 0.1 डाल देंगे, ओनली बेस पॉइंट डालेंगे, और यहाँ से मर्ज हाइट कर देंगे, और इसको क्लोज कर देंगे। मर्ज हाइट करेंगे तो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, प्लेन पे। अब इसको देखिए हमारा बन चुका है, और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर ले रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए 2 हम डाल दे रहे हैं, और यहाँ से अप्लाई कर दे रहे हैं, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, तो सेव रिलीफ में जाएंगे यहाँ पे, ओके करेंगे, और यहाँ से T12 हम नाम से इसको सेव कर रहे हैं, ओके। ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे नए पेज में, फिर न्यू मॉडल, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सेव किया था, तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये वाला था हमारा, इसको ओपन कर लिया। अब देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे कॉर्नर में लगाएंगे, और यहाँ से हम मर्ज हाइट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से रोटेट अभी नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी, और इसमें यहाँ से कॉपी में जाए, यहाँ पर मूड में देखिए यहाँ पे मर्ज हाइट है, उसके बाद में कॉपी में जाएंगे, यहाँ से कॉपी लाइन में करेंगे। ये हमारा 50 का है, तो एक गैप छोड़ेंगे, क्योंकि रोटेट करना पड़ेगा हमको इसको, तो यहाँ पे हम 100 डालेंगे, और यहाँ पे 5 डालेंगे, और इसके बाद में पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मूव में, और यहाँ पे हम 50 डालेंगे, क्योंकि हमारा पहले इस यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हम 50 डालेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया, और अप्लाई करने के बाद हम रोटेट पे जाएंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे, और फिर हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये इस तरह से 90 डिग्री हो गया। अब फिर कॉपी में जाएंगे, और यहाँ पे फिर 4 नंबर का चाहिए, 1, 2, 3, 4 नंबर, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ मूव पे जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे हम 50 डालेंगे, और अप्लाई करेंगे, तो हमारा ऊपर आ गया, और इसको हम इधर चाहिए, तो यहाँ पे फिर -50 डालेंगे, और अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए क्या करेंगे, यहाँ फिर कॉपी में जाएंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे, और 100, और यहाँ पर हम 5 कर देंगे, और फिर पेस्ट कर देंगे। देखिए ये पेस्ट हो चुका है। अब इसको
फिर यहाँ पे जाएंगे मूव में जाएंगे और यहाँ पे फिर 50 डालेंगे और अप्लाई करेंगे और यहाँ से 90 डिग्री डालेंगे फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ कॉपी में जाएंगे यहाँ इसमें और यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम देख सकते हैं ये ऐसे बन चुका है। अब इसको क्लोज करते हैं और इसको हम फिर उसी तरह से सेव कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे रिलीफ में और यहाँ से T12 है, T13 से हम T13 से हम सेव कर ले रहे हैं। और इसके बाद में फिर हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ऐसे इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और फिर हम दोबारा यहाँ से इसको ओपन करेंगे, T13 ओपन। अब इसको हम ऐसे खींच सकते हैं यहाँ पूरा पेज का। और देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे और इसके बाद में मूव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर 100 mm डालेंगे, अप्लाई करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर 100 mm डालेंगे यहाँ पे और अप्लाई करेंगे, पेस्ट करेंगे। देखिए ये बनता जा रहा है अपने। और फिर 100 अप्लाई पेस्ट। ओके दोस्तों, इसके बाद क्लोज कर देंगे और इसको मैक्सिमम कर लेंगे। देखिए डिजाइन बन गया है और यहाँ से हम कलर दूसरा ले ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।